आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा सही बात बताता है मेटलिक करैक्टर के बारे में। मेटलिक करैक्टर क्या होता है? ऐसा करैक्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डोनेट करते, दैट इज वो रेड्यूसिंग करैक्टर को होना चाहिए, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहते हैं मेटल्स को। तो कह रहा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है मेटल करैक्टर्स के बारे में, जब हम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं और टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करते हैं। सपोज होता क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो बढ़ता है, बट होता क्या है कि जो सेल्स की संख्या होती है, दैट इज द नंबर ऑफ सेल्स जो होती है, वो सेम रहती है। मतलब सेम सेल्स पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से होता क्या है, रिजल्टिंग जो न्यूक्लियस की जो पकड़ है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ती है, दैट इज जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है। मतलब क्या होता है इसका कि न्यूक्लियस की जो पकड़ है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो बहुत मजबूत हो जाती है, इट पुल्स द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। रिजल्टिंग होता क्या है कि जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल की दूरी होती है वो घट जाती है, दैट इज जो साइज है वो घट जाता है। सो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड हम लोग मूव करते हैं, वैसे वैसे जेड इफेक्टिव जो होता है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ जाता है। तो ये भी कह सकते हैं एक तरीके से कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो इजिली लूज या रिमूव नहीं कर सकते हम लोग आसानी से, क्योंकि उस पर जेड इफेक्टिव जो है वो ज्यादा लगता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो जो उसकी मेटलिक कैरेक्टर होती है, मतलब किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो घट जाती है, क्योंकि उस पर जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा लगता है। अगर हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप की, तो डाउन द ग्रुप में कंडीशन ये होता है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से होता क्या है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है तो डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में। सपोज दिस इज न्यूक्लियस और ये एक आउटर मोस्ट सेल है, बट जैसे ही डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो इस न्यूक्लियस पे एक और आउटर मोस्ट सेल लग जाता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस है आपकी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ये होता है कि जो जेड इफेक्टिव होता है वो घट जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस की दूरी बढ़ती है तो उतना इफेक्टिवली जो होता है वो न्यूक्लियस का जो जेड न्यूक्लियर फोर्स होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे लग नहीं पाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजिली रिमूव किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो मेटलिक करैक्टर है वो ज्यादा होता है डाउन द ग्रुप पे। सो यहाँ पे मेटलिक करैक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो घट जाता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर डिफाइन करें चीजों को, तो हम ये कह सकते हैं कि पीरियड के अक्रॉस तो डिक्रीज करता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव जो होता है वो ज्यादा होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, लेकिन ग्रुप में बढ़ता है क्योंकि जेड इफेक्टिव कम होता है। आई होप यू गॉट इट, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।